हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल और अपनी इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। हालांकि इस चैप्टर को तो हमें सबसे शुरुआत में पढ़ना चाहिए, बट एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में दिया गया है। अब ऐसा क्यों ये मालूम नहीं, बट ये चैप्टर ऐसा है जिसे आपको एकदम शुरुआत में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे पढ़े बिना आप बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री के बारे में गेन कर ही नहीं सकते। जो भी बेसिक्स केमिस्ट्री में यूज़ होंगे आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक में, उन्हें आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये ऐसा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या किस कारण से किसी कई जगह पर आप फंस सकते हैं। तो उन सब डाउट्स जो भी होंगे चैप्टर्स के, उनसे निपटने के लिए पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है केमिस्ट्री की जान, जो कि ये चैप्टर एक्चुअली में है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से वो नेचर में अकर करते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में भी। फिर किस तरह से हम पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे उसे यूज़ करेंगे, इन सब बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह लिखना हम सीखेंगे। और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, कॉपी और पेन लेकर आप सभी तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये सीखते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो पीरियोडिक टेबल मतलब कुछ नहीं, बस एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और कॉलम्स में, यानी ग्रुप्स और पीरियड्स में सिस्टमेटिक तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज कर देता हूं, तो इसी फिक्स पैटर्न का नाम होता है पीरियोडिक टेबल। ये तो इसके बारे में बात थी। अब अगर हम ये जानना चाहें कि हमें आखिर पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो देखिए, अगर इस प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो हमारे पास आज 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे अच्छे से पता है। अब अगर इसमें से एक एक एलिमेंट्स की भी हम सेपरेट स्टडी करने लगे, उसके प्रॉपर्टीज़ की, किसी भी एक एलिमेंट की आप प्रॉपर्टीज़ उठा लीजिए। सपोज़ करिए आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट, या फिर वो किन किन चीज़ों के साथ में या किन किन अदर एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करता है, उसके फिजिकल स्टेट्स वगैरह, केमिकल कंपोजिशन वगैरह कैसा है, ये कुछ ही प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक एलिमेंट की। इसके अलावा भी मुझे एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होता है। तो सोचिए, अगर एक एक एलिमेंट के बारे में मैं ये सारी चीज़ें जानने लगूँ, सारी उसकी प्रॉपर्टीज़, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। टाइम को तो छोड़िए, कितना पैसा भी बर्बाद होगा अगर मैं एक एक एलिमेंट की सेपरेट स्टडी करने बैठूंगा, ठीक है। तो हमें ऐसा ना करना पड़े, हमारा टाइम और मनी दोनों सेव हो, इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे कि हम लोग आराम से मतलब एलिमेंट्स की स्टडी कर सके। तो साइंटिस्ट ने वही तरीका खोजते खोजते कई सालों की रिसर्च के दौरान डेवलप किया पीरियोडिक टेबल को। बात आ गई आपको समझ में। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये आपने समझ लिया, हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी आपने समझ लिया। तो चलिए, अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि हमें कई साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, तो ज़रा उन सालों में हमने किया क्या, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, उन चीज़ों पर स्टडी डाल लेते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हम सभी अपनी कॉपी में, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। एकदम फटाक से हेडिंग नोट करेंगे सब लोग, हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और मैंने लिख रखा है बोर्ड पर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए डिस्कशन हम अपना शुरू करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि डोबराइनर ही वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की तरफ अपना वर्क शुरू किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने की तरफ अपना वर्क शुरू किया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाने का जो काम शुरू किया था, बेसिकली पीरियोडिक टेबल नहीं कह सकते, एलिमेंट्स को अरेंज करने का सबसे पहला, सबसे सफल कोशिश जिसने की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था लेवोइसियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेवोइसियर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1789, अब ये डेट अलग भी हो सकती है, कुछ बुक्स में चेंज करके भी लिखी हुई है, तो आप सब उसे दिल से मत लगाइएगा। 1789 में लेवोइसियर ही वो पहले साइंटिस्ट थे
जिन्होंने उनके समय में करीब 33 एलिमेंट्स नोन थे उस समय लोगों को, उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से कई ग्रुप्स में अरेंज किया। अब उन्होंने ग्रुप्स कैसे बनाए थे, उनके ग्रुप्स में गैसेस थी, मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, और इसके अलावा उन्होंने एक स्पेशलाइज कैटेगरी भी बना के रखी थी एलिमेंट्स की, जिन्हें उन्होंने अर्थ्स नाम दिया था। तो उनके समय में प्रेजेंट 33 एलिमेंट्स को लेवोइसियर ने गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स और अर्थ्स इस तरह से सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करके रख दिया और बोला कि अब आप एलिमेंट्स को इन्हीं ग्रुप वाइज स्टडी करो। तरीका तो उनका काफ़ी अच्छा था, बट साइंटिस्ट ने जब इस पर और आगे वर्क करना स्टार्ट किया तो उन्हें इसमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब उसमें दिक्कतें ये होती थी कि मान लीजिए कोई एलिमेंट्स किसी एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाए। अब हमारे इस समय नेचर में सबसे ज़्यादा मेटल्स हमें मालूम है, तो अगर ये एक स्पेशल ग्रुप ही काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाता है उसके कंपेरिजन में अदर ग्रुप्स कम हो जाते हैं तो भी स्टडी करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से ये जो लेवोइसियर का आइडिया था वो ज़्यादा काम तो नहीं कर सका, लेकिन इसने सबको इनिशिएट किया कि आप आगे सोचो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट के बारे में और सोचो। बात आ गई आपको समझ में? तो ये तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था जो कि किसने किया, लेवोइसियर ने। इसके बाद एक साइंटिस्ट था डोबराइनर, जिन्होंने बहुत ही एक सटीक अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप सबने नोट कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट किसका था, डोबराइनर का। डोबराइनर जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया करीब 1829 में, ठीक है। अब डोबराइनर ने किया क्या, डोबराइनर ने अपने समय में जिनके समय में जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे लोगों को उन्हें क्या किया ना, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरह से उन्होंने तीन तीन ग्रुप बना लिए और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया वो किया किस बेसिस पे, एक ग्रुप में उन्होंने उन एलिमेंट्स को रखा जिनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में बहुत ज़्यादा मेल खाती थी या एक दूसरे के जैसी थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले। जैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था लिथियम, सोडियम और कैल्शियम का, तो ये तीन एलिमेंट्स का ये जो एक ग्रुप बना है यहाँ जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या तो फिर लगभग लगभग सेम है, इसे उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रायड नाम दिया। समझ में आई बात? तो इसलिए हम डोबराइनर ट्रायड भी कहते हैं। तो डोबराइनर ने बोला ना कि आप तीन तीन एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनके ग्रुप्स बना लो और ट्रायड की स्टडी कर लो, तो आपको स्टडी करने से एक की करोगे तो पता चल जाएगा कि लगभग सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। बात आई समझ में? तरीका तो काफ़ी अच्छा था। डोबराइनर ने अपने समय में तीन ट्रायड्स भी बना लिए थे जिसमें से एक था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का ट्रायड। इसके बाद उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन ट्रायड उन्होंने बनाकर उसका एग्जांपल दिया था, और वो ये सिर्फ तीन ट्रायड ही बना पाए थे, इसके अलावा और कोई तीन ट्रायड बनाने में और कोई अदर ट्रायड बनाने में पॉसिबल नहीं हुआ डोबराइनर के लिए। अब देखिए ये जो ट्रायड डोबराइनर ने बनाया इसके बारे में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई लोगों को। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ट्रायड में एलिमेंट्स को जब भी अरेंज करो तो आप करो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऐसे हम लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ये एरो किसको इंडिकेट करता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। मतलब डोबराइनर के कहने का यह था कि जब भी आप ट्रायड में एलिमेंट्स को अरेंज करो तो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ट्रायड जाने पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, मतलब सबसे ऊपर कौन, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम, फिर उससे नीचे उससे ज़्यादा और फिर उससे नीचे उससे ज़्यादा वाला। समझ में आ गई बात? अच्छा, उन्होंने इसी ट्रायड को देखते हुए लॉ ऑफ ट्रायड भी प्रपोज किया। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं पहले रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैंने अभी आपको बोला कि डोबराइनर ने प्रपोज किया क्या, लॉ ऑफ ट्रायड। अब ये लॉ ऑफ ट्रायड है क्या, चलिए इस बात को समझते हैं।
अगर हम लोग यहाँ देखें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ट्राइड के एलिमेंट्स हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये सारे एल्कली मेटल्स हैं, सारे एल्कली मेटल्स या मेटल्स ही आप सीधे सीधे कह लीजिए, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं ये तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, सारे कैसे मेटल्स हैं और सब सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें भी क्या होती हैं ये सब हम आगे सीखने वाले हैं। अब देखिए, लिथियम का अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूँ तो इसका एटॉमिक वेट लगभग 7 होता है, सोडियम की अगर बात करें तो लगभग 23 और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो लगभग 39 के आसपास, ठीक है। अब लॉ ऑफ ट्राइड यहीं से आता है। लॉ ऑफ ट्राइड में ड्रोबेर आयरन ने क्या बोला कि किसी ट्राइड में अपर और मिडल एलिमेंट, अपर और मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज, के एटॉमिक वेट का एवरेज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा या फिर लगभग बराबर होगा, उसके लगभग सिमिलर होगा। बात आई समझ में? अब चलिए देखते हैं डोबराइनर की बात कितनी सही है कितनी गलत। तो अगर मैं बोलूं वेट ऑफ किसका, सोडियम का, तो अकॉर्डिंग टू डोबराइनर सोडियम का वेट बराबर होना चाहिए इन दोनों के वेट के एवरेज के। अब इनके वेट का एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कभी भी हम कैसे निकालते हैं, जितना डेटा दिया सबका सम कर दें। तो वेट किसका, लिथियम का, प्लस वेट किसका, कैल्शियम का, क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों के वेट का एवरेज निकालना है, और डिवाइड भाई ऊपर कितने हैं 2, तो नीचे 2 से डिवाइड लगाते ही एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज वगैरह कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाता है 9th क्लासेस में। अब देखिए, वेट ऑफ सोडियम की अगर हम यहाँ से बात करें तो इक्वल्स टू लिथियम का वेट कितना यहाँ पर दे रखा है 7, प्लस कैल्शियम का एटॉमिक वेट 39 अपॉन में 2, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। अब देखिए इक्वल, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 39 प्लस 7 कितना होता है 46, और 46 डिवाइड बाई 2 ये कितना होता है 23। और अगर आप ट्राइड के अंदर भी देखो तो यहाँ से वेट ऑफ सोडियम कितना आया 23, और इस ट्राइड में भी देखिए सोडियम का वेट कितना दे रखा है 23। इसका मतलब डोबराइनर ट्राइड, ये जो लॉ ऑफ ट्राइड है वो कैसा है, करेक्ट है। बात आ गई आपको समझ में? तो ये था ओवरऑल साइंटिस्ट डोबराइनर का तरीका एलिमेंट्स को अरेंज करने का। उन्होंने क्या बोला कि आप 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाओ, जिसे उन्होंने ट्राइड नाम दिया। ट्राइड के अंदर आप उन एलिमेंट्स को रखो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लगभग सिमिलर हों, और साथ ही साथ उन्हें रखो डाउन द ट्राइड इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में। और जब भी आप उन ट्राइड के अपर और लोअर एटॉमिक वेट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, आपको मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। समझ में आई? तो यही क्या था हमारा लॉ ऑफ ट्राइड। तो डोबराइनर का देखिए ये जो तरीका था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया था, लेकिन ये ज़्यादा साइंटिस्ट के काम नहीं आ सका आगे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये नहीं बन रही थी। एक तो डोबराइनर खुद ही केवल 3 ट्राइड बनाने में पॉसिबल हुए थे, प्लस उस समय और एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे। जब फर्दर आगे और एलिमेंट्स खोज लिए गए तो भी साइंटिस्ट को उन्हें ट्रायड में अरेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अब इसी बीच एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जिमेलिन। जिमेलिन साइंटिस्ट ने डोबराइनर की रिसर्च को अच्छे से पढ़ा, अच्छे तरीके से उन्हें समझा, और लगभग 10 ट्रायड्स और बनाने में पॉसिबिलिटीज़ मतलब और खोजी उन्होंने, और 10 ट्रायड्स लगभग सक्सेसफुली और उन्होंने क्रिएट कर लिए। समझ में आई बात? तो जिमेलिन साइंटिस्ट का भी एक बहुत अच्छा योगदान रहा है पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें नॉर्मली हम लोग नहीं जानते, भुला दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुल वर्क नहीं किया था। बट आप सोचिए कि इनके वर्क का जो यहाँ पर महत्व कितना ज़्यादा है, ठीक है। जो भी उन्होंने काम किया पीरियोडिक टेबल के लिए वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, बहुत ज़्यादा हम उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उतना नहीं सोचना है क्योंकि एग्जाम में उतना ज़्यादा हमसे सोचा नहीं जाएगा। मेन आपको किनके इनके अप्रोचेज याद रखने हैं, डोबराइनर ट्राइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको याद ही रखना है। हाँ, अगर हम अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं आगे, और हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी अभी हमने कुछ साइंटिस्ट के पीरियोडिक टेबल को बनाने के लेकर, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लेकर अप्रोचेस के बारे में पढ़ा, जिनमें नाम लेवोसियर का, डोबराइनर का हमने अभी तक लिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ड्यूमा।
ड्यूमा ने अराउंड 1857 जब इंडिया में एक दूसरे के सिर काटे जा रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, सभी लोग लड़ाई करने में बिजी थे, 1857 रिवॉल्यूशन आप सभी ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेंगे। 1857 के टाइम में इन्होंने, किसने, ड्यूमा ने एलिमेंट्स की अरेंज करने की तरफ अपना ध्यान फिर से लगाया और अरेंज करने पे इन्होंने केवल जोर दिया किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर। इन्होंने मेटल्स की बड़े अच्छे से स्टडी की क्योंकि वो नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे और उन मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करके उन ग्रुप्स के बीच सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश की। इन्होंने होमोलोगस पेयर बनाए, इन्होंने क्या बनाए, होमोलोगस पेयर। अब ये होमोलोगस पेयर मतलब क्या, आप सब एकदम कंफ्यूज है भाई, मंगल ग्रह का ये कहाँ से वर्ड आ गया, तो ये मंगल ग्रह का वर्ड नहीं, होमोलोगस पेयर मतलब ना इन्होंने दो एलिमेंट, जैसे सपोज कर लीजिए ए और बी को ऐसे पेयर्स में अरेंज किया, पेयर बनाए उनके। होमोलोगस पेयर हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो दोनों एलिमेंट्स रखे गए ना मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज लगभग कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, समझ में आ गई बात। अब ऐसे ऐसे करके ड्यूमा ने बोला आप ऐसे बनाते जाओ, पेयर बनाते जाओ, तो साइंटिस्ट ने बोला भैया काम बहुत मुश्किल है, इतने सारे पेयर बनाना, उनकी स्टडी करना, अरेंज करना, ये तरीका कुछ हमें ज़्यादा सिस्टमेटिक लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं ये वाला आइडिया ड्रॉप ही कर देते हैं। तो यहाँ से ड्यूमा का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया, होमोलोगस पेयर वाला जो वो ट्राई कर रहे थे मेटल्स बनाने, मेटल्स को लेकर, समझ में आ गई बात। अब ड्यूमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल होने के बाद कई सालों के बाद 1857 में इन्होंने काम शुरू किया था, लगभग 1862 में एक जियोलॉजिस्ट मतलब जो जियोग्राफी अर्थ वगैरह के स्टडी करते हैं उन्होंने एक जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था AEBD चैन कोर्टिस, नाम काफ़ी अजीब है आप सबको याद रखना होगा, AEBD चैन कोर्टिस, ये एक जियोलॉजिस्ट थे अराउंड 1862। इन्होंने ना सबसे पहली पीरियोडिक टेबल बनाई, एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, सबसे पहली पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल ना कह के हम कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया कि पीरियोडिक टेबल हम बना सकते हैं फ्यूचर में, ये उसका ब्लूप्रिंट है, स्ट्रक्चर है, इसे आप देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा हेक्सागनल सिलेंडर लिया, हेलिकल, और जैसे स्प्रिंग होती है हेलिकल, और उसी स्प्रिंग के अराउंड इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम शुरू कर दिया। और काम शुरू करते करते अरेंज करते करते इन्होंने क्या देखा कि भैया ये तो पीरियोडिसिटी पाई जाती है एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स के एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उसमें सबसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में पीरियोडिसिटी पाई जाती है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, कि चार एलिमेंट्स को छोड़ के पांच एलिमेंट्स को छोड़ के प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होता है। तो इस तरह से ये फेमस हो गए अपने रिपीटेशन वर्ड को लेकर, क्योंकि हम भी आज जानते हैं कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है। तो सबसे पहले रिपीटेशन को नोट करने का क्रेडिट किनको जाता है, सर AEBD चैन कोर्टिस जियोलॉजिस्ट को। लेकिन इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई ना, हेलिकल पीरियोडिक टेबल, वो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट को इम्प्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो उसकी स्टडी करना काफ़ी क्रिटिकल था, प्लस ये थे जियोलॉजिस्ट ना कि केमिस्ट। तो इन्होंने ना अपनी पीरियोडिक टेबल में जो वर्ड्स वगैरह यूज़ किए थे एलिमेंट्स को अरेंज करते टाइम, कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, जियोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह का यूज़ करते हुए इन्होंने अरेंज किया था। तो इस वजह साइंटिस्ट ने बोला भाई रहने दो, ये तो बच्चे को, एक तो केमिस्ट्री वैसे भी लोगों को जल्दी पल्ले नहीं पड़ती, अब ये क्यों नहीं पड़ती ये तो मालूम नहीं, लेकिन आपको ज़रूर पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आप केयरफुली इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। तो इनकी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह को यूज़ करने के लिए। अब इसके बाद नए नए जो भी साइंटिस्ट हैं उनका नंबर आ जाता है। तो इसी बीच में एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम था न्यूलैंड्स, अराउंड 1863 न्यूलैंड्स आए, एक साइंटिस्ट इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने दिया द फेमस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, बट आप अभी ये डेट नोट कर लीजिए और साइंटिस्ट का नाम नोट कर लीजिए। साइंटिस्ट का नाम था जॉन डोबराइनर, सॉरी न्यूलैंड्स,
इंग्लिश साइंटिस्ट अराउंड 1863। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में। इनके समय में अराउंड 54 एलिमेंट्स तक लोगों को मालूम हो गए थे, तो इन 54 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मैं आपको उनका अरेंजमेंट अगर कुछ करके दिखाता हूँ, तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको अरेंज करके दिखाए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब सिंबल्स या एलिमेंट्स के लिखे हुए हैं, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। यहाँ पर ये इन्होंने एक साथ ही अरेंज कर दिया था, ऐसा क्यों अभी हम डिस्कस करते हैं। देन कॉपर, जिंक, ये कॉमन अरेंजमेंट था, न्यूलैंड्स ने किया था। अब देखिए अगर हम इस एलिमेंट अरेंजमेंट की स्टडी करें, तो एक तो हम पाएंगे कि ये है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं एलिमेंट्स का जो वेट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। अब जब इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट करना शुरू किया, तो एक चीज़ इन्होंने नोट की, नोट क्या किया कि जब भी हम किसी एलिमेंट से स्टार्ट कर, सपोज करिए मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ, तो ये फर्स्ट पोजीशन में इसको दे देता हूँ, तो जब भी हम किसी एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उस एलिमेंट से एर्थ पोजीशन पर जो एलिमेंट आता है, अब जैसे हाइड्रोजन से एर्थ पोजीशन पर आने वाला एलिमेंट कौन है, तो गिनते 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एर्थ पोजीशन पर आने वाला एलिमेंट फ्लोरीन है, तो इसे हम 8 मार्क कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, अगर हम किसी एलिमेंट से स्टार्ट करें और तो उससे एर्थ पोजीशन पर आने वाला जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में कैसी होंगी, सेम होंगी, दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, फर्स्ट वाले की और एर्थ वाले की, आपस में कैसी होंगी, सेम होंगी। और इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स के अंदर एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है। ये रिपीटेशन सबसे पहले किसने नोट किया था, सर एबीडी चैन कोर्टिस ने, जिसे हम पीरियोडिसिटी का नाम देते थे। तो यहाँ पर भी यही है कि फर्स्ट एलिमेंट और एर्थ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेम होना एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी को शो करता है। अब यही पीरियोडिसिटी ना आगे चल के बेस बनेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने का, इसी वजह से हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ जो इन्होंने दिया। अब इसका कंपैरिजन इन्होंने किया ना म्यूजिकल नोट्स से, म्यूजिकल नोट्स कैसे, जैसे हम हिंदी में हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। मेरी आवाज़ सुरीली लगी तो एक बार फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। तो ये 7 म्यूजिकल नोट्स है। अब देखिए सा रे गा मा पा धा नी, अब नी के बाद फिर से क्या आता है, सा। तो अगर हम इसे फर्स्ट नोट दें, तो इससे फर्स्ट पे एर्थ पोजीशन पे देखिए अगेन यही फर्स्ट वाला नोट रिपीट हो रहा है, सा से हमने स्टार्ट किया और एर्थ पोजीशन पे अगेन कौन रिपीट हो गया, सा। इसी तरह से उन्होंने न्यूलैंड से समझाया कि जब भी हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें और फर्स्ट एलिमेंट से पढ़ना स्टार्ट करें, तो उससे एर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा ना वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा होगा फर्स्ट वाला एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है यहाँ पर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, यानी अगर ये सा तो ये वाला भी किसकी तरह बिहेव करेगा, सा की तरह। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज आपस में कैसे होंगी, सेम। हम बोलेंगे कि फ्लोरीन की शक्ल में हाइड्रोजन ही अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। बात आ गई समझ में। तो ये था द फेमस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसे कहा जाता है हिंदी में, इसे कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं आगे
कि अगर मैं लिथियम को फर्स्ट पोजीशन दे दूं, तो देखिए चेक कर लेते हैं कि न्यूलैंड्स कितने सही थे कितने गलत। तो न्यूलैंड्स की बात मानते हुए लिथियम को दी फर्स्ट पोजीशन। अब इससे एट्थ एलिमेंट चेक करिए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पे कौन आ रहा है? सोडियम। तो देखिए लिथियम और सोडियम की भी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, एक जैसी। हमने अभी डोबेराइनर ट्रायड बनाया था, उसमें भी ये दोनों एलिमेंट्स कैसे एक ही ट्रायड में थे, तो इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं। तो ये था पूरा का पूरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि अभी तक फिट बैठते आ रहा है। इसने साइंटिस्ट को ये क्या बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करके दे दिया। साइंटिस्ट ने बोला मतलब कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी होती है प्रॉपर्टीज में, मतलब कुछ किया जा सकता है। न्यूलैंड्स का आइडिया सबको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने और फर्दर स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि भैया ये तो सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है, उसके आगे तो जाते ही ये फेल हो जाता है। अब यहाँ से फिर अगेन पोपट हो गया, क्यों? क्योंकि इसके आगे करें तो करें क्या, बाकी जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको भी तो अरेंज करना है। तो इसी वजह से ये न्यूलैंड्स लॉ फेल हो गया, क्योंकि ये कैल्शियम के आगे अप्लाई नहीं हो पाया। समझ में आ रही है बात? तो फटाफट क्विकली एकदम नोट्स करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि अब आप सबको क्लियरली समझ में आ गया है। सारे गामा गाते हुए नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अभी अभी हमने देखा कि एक एक करके सारे साइंटिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज करने के अटेम्प्ट धीरे धीरे फेल ही होते जा रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि हर गलती से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो हर साइंटिस्ट ने अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन खुद अगर गलती कर करके सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी भर सीखते ही रह जाएंगे, इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीख लो। तो इन साइंटिस्ट ने जो गलतियाँ की, इनकी गलती को किसी और साइंटिस्ट ने नहीं दोहराया, ये सबसे अच्छी बात थी। सबने नए नए वेज से एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका खोजा, और इन सब में एक साइंटिस्ट ऐसे भी थे ना जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट में उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूँगा, लेकिन प्लानिंग ना होते हुए भी उन्होंने आखिर एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखाई दिया। और उस चमत्कारी साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव। मेंडलीव वो रशियन साइंटिस्ट थे जिनका कोई पक्का इरादा नहीं था कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा, बट इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। अराउंड 1869 इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी दुनिया के सामने। तो देखिए स्टोरी सिंपल सी है, ये काफ़ी घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ मतलब आप सभी समझते होंगे, जिसको घूमना फिरना काफ़ी पसंद हो, हाँ। और काफ़ी क्यूरियस नेचर था मेंडलीव का। तो मेंडलीव को पसंद था नई नई डिस्कवरीज के बारे में जानना। जब भी कहीं नया एलिमेंट खोजा जाता था, भाई साहब तुरंत वहाँ पहुँच जाते थे, लिया अपना पर्चा, नोट करना शुरू कर दिया, साइंटिस्ट से मिले, हाँ भाई बताओ नाम क्या है एलिमेंट का, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह, बढ़िया नोट किया। हालांकि केमिस्ट थे तो इस वजह से उनको इस बारे में नॉलेज थी, क्यूरियोसिटी थी जानने की। सब कुछ नोट करके ये वो पर्चा ले आते थे, और इनके स्टोर रूम में खिड़की पर एक गंदा सा पर्दा टंगा हुआ था, उसमें कई जगह छेद वगैरह बने थे, तो ये उस पर ऐसे टैग कर देते थे, वो पर्चा लगाया यहाँ पे पिन कर दिया। अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कई सारे एलिमेंट्स, अराउंड 63 एलिमेंट्स तक इनके टाइम में लोगों ने खोज लिए थे। तो उन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे पर्चे पे लिस्ट सबकी बनाई हुई थी, ऐसे टैग करते गए एक ऑर्डर देखते हुए, ऑर्डर देखते हुए देखते हुए। और जब इन्होंने उस ऑर्डर को एक दिन अचानक से ऐसे गौर से देखा, तब इन्हें पता चला कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने एलिमेंट्स की पूरी पीरियोडिक टेबल उस गंदे से पर्दे पे बना रखी थी स्टोर रूम की खिड़की के। समझ में आई बात? तो मेंडलीव ने इस तरह से एक्सीडेंटली पीरियोडिक टेबल बनाई। जस्ट ये स्टोरी है, इसकी कोई प्रूविंग वगैरह नहीं है, ऐसा ही सुना है हम सभी ने, तो हम यही मानते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटली इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दी, क्रिएट कर दी। अब देखिए पीरियोडिक टेबल जब इन्होंने क्रिएट की ना, तो इसमें उन्होंने एक पैटर्न देखा, खिड़की पर जो भी पर्चे इन्होंने लगा रखे थे, जो भी स्लिप्स, इस पर उन्होंने एक पैटर्न देखा कि जो भी एलिमेंट थे वो एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज थे, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अब जब ये उससे इंस्पायर हो गए, तब इन्होंने एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का काम को और थोड़ी सी तेजी दी और डीप स्टडी की, अरेंजमेंट वगैरह करना शुरू किया, और हमारे सामने बना के रख दी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
अब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको कुछ स्पेशल बातें, खास बातें जो है वो बता देता हूँ। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की देखिए, अगर एक मैं आपको ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिखाऊँ तो उसकी शक्ल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, कुछ इस तरह के उसमें हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिखेंगी और इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने यहाँ पर खींच रखी है इस तरह की, जो इन लाइंस को हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। जो ये लेफ्ट टू राइट हमने खींच रखी है, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिख देते हैं, और ये जो अप टू डाउन आपको लाइंस दिख रही हैं, तो ये अप टू डाउन जो बने हैं कॉलम्स, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। तो ये रोज को हम क्या नाम देते हैं, पीरियड्स, और इन्हें हम क्या नाम देते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को, ग्रुप। समझ में आ गई बात, अप टू डाउन जो है। अब यहाँ से देखिए, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से हमें एक चीज का तो इंट्रोडक्शन मिल जाता है, ग्रुप्स और पीरियड्स का, जो कि हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यूज करते हैं। अब बात यहाँ पर ये पड़ती है कि कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो 63 एलिमेंट्स जो उन्हें इनके टाइम पे मालूम थे, उसे इन्होंने अरेंज किया अराउंड 7 पीरियड्स में और 9 ग्रुप्स के अंदर में, ठीक है। अब इनकी पीरियोडिक टेबल को देखिए तो उसमें ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ से ऐसे 6, 7, 8 ऐसे ग्रुप थे, और एक अलग से ग्रुप था एक्सटेंड नोबल गैसेस के लिए, जिन्हें जीरो ग्रुप कहा जाता है। इनफैक्ट देखिए, मेंडेलीव ने तो 8 ग्रुप्स में अरेंज किया था, बट बाद में जब नोबल गैसेस खोज ली गई तो उन्हें इस जीरो ग्रुप में लगा रख कर देखा गया और पाया कि भैया ये मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें फिट हो जाती हैं। तो ये इस टेबल की एक बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे, और कितने पीरियड्स थे इसमें, 7 पीरियड्स थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, देन 1, 6 और एक और 7, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये वाला शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ ऐसे 5, 6 और यहाँ 7 कर देता हूँ, होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब ये 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स में इनका पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो रहा था, उसी दौरान इन्होंने एक एक ग्रुप में भी अब दो दो कैटेगरीज बना दी। कहाँ तक, 7 तक ये जो ग्रुप थे। अब इस ग्रुप में इन्होंने कैटेगरीज कैसे बनाई, एक ग्रुप को फिर दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक ही ग्रुप को फिर दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ए और बी, इसी तरह से थर्ड में ए बी, इसी तरह से फर्स्ट में भी होगा, देखिए फर्स्ट ग्रुप में भी ए पार्ट और बी पार्ट। सो 7 तक इसी तरह इन्होंने ए बी दो और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जो भी ग्रुप्स हैं, और फिर जाके एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में। बात आ गई समझ में। लेकिन अरेंज करते समय मेंडेलीव ने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही तरह के शो करते हैं, वो सभी एक ही ग्रुप में आ जाएं। बात आई समझ में। अपने इसी पैटर्न को मेन मानते हुए मेंडेलीव जब अरेंज कर रहे थे, तो कई जगह उन्होंने ऐसा भी किया कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, उन्हें उन एलिमेंट्स से पीछे रख दिया जिनका एटॉमिक वेट कम है। अब अगर जाहिर सी बात है भाई, मैं अरेंज कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जिसका ज़्यादा है उसको मैं बाद में रखूँगा और जिसका कम है उसको पहले। लेकिन सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आए, इसके चक्कर में कहीं कहीं जगहों पर मेंडेलीव ने ज़्यादा वालों को पहले रख दिया और कम वालों को बाद में। तो मेन मोटिव मेंडेलीव के अरेंजमेंट का क्या था, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करते समय ये ध्यान रखना कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आए। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का जो ट्रेंड था वो मेंडेलीव ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। समझ में आ गई बात। तो एक और स्पेशलिटी ये थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, कि अदर किसी साइंटिस्ट ने जब भी टेबल के बनाया टेबल को, तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मुझे एलिमेंट्स जो और फर्दर फ्यूचर में खोजे जाएंगे उनके प्लेसमेंट के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। उन्होंने ये मान लिया कि अब नेचर में इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं खोजे जाएंगे। लेकिन मेंडेलीव को ये पूरा विश्वास था, उन्हें पूरा बिलीव था कि नेचर में फर्दर और एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, जिनके एटॉमिक वेट्स वगैरह के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टेबल में जगह छोड़ रखी थी। समझ में आ गई बात। और प्रेडिक्शन करने में भी मेंडेलीव बहुत ज़्यादा माहिर थे, प्रेडिक्शन भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एलिमेंट्स जिनके लिए इन्होंने गैप्स छोड़ रखे थे, सपोज कर लीजिए इस तरह के कुछ,
उसके लिए इन्होंने ना नेचर भी प्रेडिक्ट किया। जैसे इनके प्रेडिक्शन का एक एग्जांपल मैं अगर यहाँ आपको दूँ, तो एल्युमिनियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एक गैप छोड़ा। सपोज कर लीजिए अगर एल्युमिनियम को मैं यहाँ रख रहा हूँ इस जगह पे, तो इसके नीचे इन्होंने एक स्पेस खाली रखा और इस स्पेस में जो एलिमेंट आएगा उसका नाम इन्होंने रखा एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एका एल्युमिनियम? तो एका वर्ड ये पाणिनी संस्कृत भाषा से इंस्पायर्ड एक वर्ड है, हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा जिसे देववाणी देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, उससे इंस्पायर्ड ये वर्ड है एका, जिसका मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, एका का वर्ड क्या होता है? सिमिलर। तो एका एल्युमिनियम मीन्स एन एलिमेंट सिमिलर टू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के जैसा ही एक। और तो मेंडलीव को इस बात का पूरा भरोसा था कि एल्युमिनियम के नीचे ये जो एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये सेम एल्युमिनियम के ही ग्रुप में लाया करेगा, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज भी किसकी तरह होंगी? एल्युमिनियम की ही तरह होंगी। समझ में आई बात? इन्होंने उस इस एका एल्युमिनियम एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स वगैरह, उसके ऑक्साइड हाइड्राइड्स वगैरह के बारे में प्रेडिक्शन किया। और कमाल की बात ये थी कि जब साइंटिस्ट ने ये एलिमेंट खोज के निकाला जिसका नाम था गैलियम, इस एका एल्युमिनियम को आज हम किस नाम से जानते हैं? गैलियम के नाम से। गैलियम की जब प्रॉपर्टीज स्टडी की गई, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मेंडलीव के थ्रू बताई गई प्रॉपर्टीज से काफ़ी हद तक मैच करती थी। तो इस तरह से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मेंडलीव कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को सबसे पहले अंजाम दिया एकदम सटीक तरीके से। समझ में आ गई बात? ये एक नमूना है बस उनकी कलाकारी का, ऐसे और भी कई ट्रेंड्स यहाँ छुपे हुए हैं इसी पीरियोडिक टेबल में, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्पेशलिटी आपने देख ली, दूसरी स्पेशलिटी देखिए, उस बताने से पहले आपको कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स वगैरह हैं, ये ध्यान रखना होगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा जाएगा आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम और फर्दर बात करें, तो मेंडलीव ने ना एक अलग से पीरियड बना के रखा था, एर्थ पीरियड भी इसे आप कह सकते हैं, ग्रुप के टॉप पर। अब इस पीरियड को उन्होंने क्यों बनाया था? जैसे ये सारे ग्रुप्स हैं, तो इसके टॉप पर मेंडलीव ने एक पीरियड क्रिएट करके रखा था अलग से। इस पीरियड में उन्होंने क्या किया था, जो भी ग्रुप्स थे एलिमेंट्स के, उन ग्रुप्स में लाए करने वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला लिख रखा था। किसका किसका? जो भी एलिमेंट्स अरेंज इन ग्रुप्स में, उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का, जैसे इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा तो ऊपर उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला। समझ में आई? जैसे अगर हम एक कॉमन एलिमेंट कार्बन की बात कर लेते हैं, तो कार्बन का ऑक्साइड कॉमन कौन सा होता है? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन का सबसे कॉमन हाइड्राइड कौन होता है? CH4, जिसे हम मेथेन नाम से जानते हैं। तो अगर सपोज करिए कार्बन इस ग्रुप में लाया करता है, मान लेते हैं हम ऐसा, तो मेंडलीव ने कार्बन के इस ग्रुप के ऊपर कार्बन के ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, जैसे R O2, अब R मतलब जो भी इस ग्रुप का एलिमेंट होगा, R इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा, और उसके हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला जैसे RH4, इस तरह से लिखकर इस पीरियड में टैग कर दिया था। ऐसा मेंडलीव ने क्यों किया, ऑक्साइड हाइड्राइड्स को क्यों चुना? वो इस वजह से क्योंकि यही दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और लगभग सारे एलिमेंट से ही रिएक्शन कर जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मेन मोटिव ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ही बनाया। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्पेशलिटी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। चलिए अब हम कुछ और बातें जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी हम सभी ने किसके बारे में पढ़ा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, और हमने देखा कि कितने ही अरेंज वे से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को पूरी पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया, ग्रुप और पीरियड्स में। अब देखिए, जितनी भी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर पढ़ी उसके बेसिस पर अगर हम कुछ कंक्लूजन्स निकालना चाहें, तो कंक्लूजन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये निकलता है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में, एक तो रफली हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, और इसी इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के बेसिस पर मेंडलीव ने दिया सबसे पहला पीरियोडिक लॉ। दुनिया का सबसे पहला पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मेंडलीव ने। तो आपको याद रखना होगा, तो हम याद लिख देते हैं फर्स्ट पीरियोडिक लॉ, या फिर इसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है।
अब ये लॉ है क्या, इसके बारे में हम सभी समझ लेते हैं। तो देखिए, मेंडेलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज करने का बेस किसे बनाया, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को। और मेंडेलीफ ने देखा कि एटॉमिक वेट के ही हिसाब से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। मतलब मेंडेलीफ के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो उनके चेंज होने का कारण कौन होगा, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट। समझ में आई बात? तो इसी बेसिस पे मेंडेलीफ ने अपना पहला पीरियोडिक लॉ दिया। और इस पीरियोडिक लॉ में उन्होंने ये बोला कि मैं लिखता हूँ उसी समय आपको समझा भी दूंगा कि द फिजिकल एंड, आप सब भी बेहतर ये होगा कि मेरे साथ ही साथ नोट करते चले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ये था वर्ल्ड का पहला पीरियोडिक लॉ, यानी मेंडेलीफ्स पीरियोडिक लॉ, जिसमें मेंडेलीफ ने ये बोला कि एलिमेंट्स के जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस, उन एलिमेंट्स के रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। अब यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का देखिए सिंपल सा मतलब ये है ना कि जब भी एटॉमिक मास में चेंज आएगा तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी पीरियोडिकली चेंज होती जाएगी। समझ में आ गई बात? पीरियोडिक फंक्शन का बस सिंपल सा मतलब यही है कि एटॉमिक मास में जब भी वैरी होगा, वेरिएशन आएगा, उसी के साथ साथ में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अब जैसे आप सभी ने न्यूलैंड्स के कॉन्सेप्ट में देखा था कि न्यूलैंड्स ने कहा था कि हर आठवें एलिमेंट पर, हर एर्थ एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो इसी तरह का ये जो एक फिक्स एलिमेंट इंटरवल होता है ना, बस उसी लिए हम ये पीरियोडिक वर्ड यूज़ कर लेते हैं। मेन मोटिव क्या है कि प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, ठीक है। पीरियोडिसिटी मीन्स प्रॉपर्टी में एक फिक्स इंटरवल के बाद, एर्थ पोजिशन के बाद या फोर्थ पोजिशन के बाद एक फिक्स इंटरवल, उसके बाद चेंज हो रहा है, इसी वर्ड का नाम मतलब है पीरियोडिसिटी। समझ में आई बात? अब ये तो देखिए था फर्स्ट पीरियोडिक लॉ जो मेंडेलीफ ने सजेस्ट किया। इसके बेसिस पर अगर हम देखना चाहें कि किस तरह से, मतलब और क्या क्या अचीवमेंट है मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल की, तो चलिए ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। चलिए मेरे साथ साथ आप सब भी हेडिंग लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीफ्स पीरियोडिक टेबल, MPT हम यहाँ इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो देखिए, पूरी मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल हमने जब स्टडी की तो हमने सबसे पहले एक चीज़ नोटिस की कि मेंडेलीफ ने एलिमेंट्स का डिवीज़न किया, अरेंजमेंट किया ग्रुप्स और पीरियड्स में, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला एडवांटेज यही है मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल का कि मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल से मुझे इंट्रोडक्शन मिलता है ग्रुप और पीरियड्स का। तो इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल की एक बहुत खास बात है, जो और ग्रुप्स एंड पीरियड्स ने काफ़ी इंस्पायर भी किया आगे साइंटिस्ट को कि आप इस अरेंजमेंट में भी एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज देखिए, अभी जस्ट इसके पहले जब हमने मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो उसमें हम सभी ने ये देखा कि मेंडेलीफ ने मेन मोटिव माना एटॉमिक वेट को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंज लाने का, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने खुद इस ट्रेंड को छोड़ दिया। मतलब कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने आगे पीछे करके एटॉमिक मास के ऑर्डर का ध्यान ना देते हुए अरेंज किया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? ताकि वो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आ सके, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ सके। जैसे अगर एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम इसका देखना चाहें तो मेंडेलीफ ने कोबाल्ट और निकिल, इन दो एलिमेंट्स को अरेंज करने में थोड़ी सी हेरा फेरी की। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकिल के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, जो कि लगभग 59 के आसपास होता है, और निकिल का एटॉमिक मास लगभग 58.7 होता है। ये रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेज जो मेंडेलीफ के टाइम पे कैलकुलेट किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है, निकिल का कम, तो अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ
तो बाद में कौन आना चाहिए? कोबाल्ट। और पहले कौन आना चाहिए? निकिल, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम और इसका ज़्यादा है। लेकिन मेंडेलीफ ने क्या किया, उन्होंने जस्ट इसका रिवर्स प्रोसीजर फॉलो किया। ये किसने किया? हमने। ये हमारे अकॉर्डिंग था कि अगर हम एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तब। लेकिन मेंडेलीफ भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने कोबाल्ट को निकिल से पहले प्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक जगह पर उन्होंने कोबाल्ट को निकिल से पहले प्लेस किया। ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ना ताकि ये वाला जो ग्रुप है उसके जो भी सारे एलिमेंट्स थे वो कोबाल्ट के जैसी प्रॉपर्टीज शो करते थे। तो इनके कहने का मतलब ये था कि सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट एक ही जगह पर आने चाहिए। समझ में आ गई बात में? तो मेन मोटिव मेंडेलीफ का क्या था कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाएं। इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर उन्होंने शुरुआत में लेकर तो यही कॉन्सेप्ट चले, लेकिन बाद में उसे उन्होंने खुद ही डिस्कार्ड कर दिया। ठीक, तो सेकेंड एडवांटेज क्या है मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल का, कि चेंज इन ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट व्हेन नीडेड, मतलब जब जरूरत थी तब उन्होंने इसमें चेंज लाया। ये भी एक एडवांटेज है मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, थर्ड, अब अगर हम एडवांटेज की बात करें कि मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल का तीसरा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, तो देखिए जब मेंडेलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन की तो इनके टाइम में नोबल गैसेस के बारे में लोगों को पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि नोबल गैसेस जितनी भी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस नोबल गैसेस हैं। ये गैसेस इतनी कम रिएक्टिव होती है ना कि नेचर में इनकी एग्जिस्टेंस का पता उस समय चल ही नहीं पाया, बिकॉज इतनी साइंस उस समय डेवलप नहीं थी, केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी उस टाइम पे। बहुत समय के बाद साइंटिस्ट ने नोबल एलिमेंट्स की खोज की नोबल गैसेस की, और जब उन नोबल गैसेस को साइंटिस्ट ने मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल में फिट करने की कोशिश की तो एकदम अरेंजमेंट उनका फिट हो गया प्रॉपर मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में। मैंने कल आपको बताया था कि उनकी पीरियोडिक टेबल में एक नाइन्थ ग्रुप था जिसे जीरो ग्रुप कहा गया था, और इसी जीरो ग्रुप में साइंटिस्ट ने सारी नोबल गैसेस को, जितनी भी नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर की गई थी, उनको जब पुटअप करके देखा तो वो एकदम इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही फिट होती चली गई मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये एक इतना सटीक एडवांटेज मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मेंडेलीफ ने काफ़ी हद तक एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया था वो एकदम प्रॉपर डायरेक्शन में गया था। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए तो उस समय उन्हें अरेंज करने में यहाँ पर हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती, बट ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब इनका डायरेक्शन जो था वो सही था। तो यहाँ पर आपको थर्ड एडवांटेज में क्या लिखना होगा कि मेंडेलीफ टेबल वॉज वेल डिजाइंड फॉर फ्यूचर नोन एलिमेंट्स का मतलब, जैसे दैट इज में करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, That is noble gases. ठीक है, तो फ्यूचर नोन एलिमेंट्स मतलब जो फ्यूचर में खोजे जाएंगे, जैसे कि नोबल गैसेस बाद में खोजी गई, उनके लिए भी मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल एकदम वेल डिजाइंड थी, पूरी तरीके से तैयार थी, नो डाउट। ठीक है, चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी हम कह सकते हैं, आई होप आपने ये सभी पॉइंट्स अभी तक नोट कर लिए होंगे पूरी तरीके से। फोर्थ पॉइंट की देखिए अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ मेंडेलीफ। मेंडेलीफ मैंने आपको बताया था प्रेडिक्शन में बहुत ही माहिर थे, और उन्होंने बीच बीच में कुछ गैप्स भी छोड़ रखे थे अपनी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे कभी ना कभी बाद में। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में आप बस जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर नोन एलिमेंट्स एंड रिसाइड
स्पेस, ठीक है, इस तरह से आप करके यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट को कि मेंडलीफ ने फ्यूचर नोन एलिमेंट्स के बारे में स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन किया अपनी पीरियोडिक टेबल के बेस पर एंड रिसाइड सम गैप्स यहाँ आप कर सम स्पेस फॉर देम, ऐसे लिखते हैं रिसाइड सम स्पेस फॉर देम, मतलब उन सभी एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह पर सूटेबल स्पेसेस कुछ जो है छोड़ दिए। अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स मैंने अभी आपको जस्ट बताए थे, जैसे कौन कौन से हमने देखा था, एका एल्यूमिनियम जिसे आज हम गैलियम के नाम से जाते हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन किया था मेंडलीफ ने, तो वो भी आप चाहें यहाँ पर तो मेंशन कर सकते हैं, दैट इज एका एल्यूमिनियम। उसके बाद में इसी तरह से एका सिलिकॉन भी एक एलिमेंट था जिसके बारे में मेंडलीफ ने प्रेडिक्शन दी। एका एल्यूमिनियम को आज हम गैलियम के नाम से जानते हैं और एका सिलिकॉन को आज हम जर्मेनियम कहकर बुलाते हैं। जर्मेनियम, गैलियम का सिंबल होता है जी और जर्मेनियम का, सॉरी, गैलियम का सिंबल जी ए और जर्मेनियम का जी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एडवांटेजेस थे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के जो आप सबने नोट कर लिए होंगे, अच्छे समझ भी लिए होंगे। चलिए अब हम इस टेबल के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के टाइम में हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल नहीं यूज़ करते, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट भी था वो कहीं ना कहीं जाकर फेल हो गया था। तो क्या रीज़न थे कि ये फेल हो गया, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे इस पीरियोडिक टेबल के, क्या क्या शॉर्ट कमिंग थे मेंडलीफ के इस कॉन्सेप्ट के, एक एक करके रफली हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। तो आप सब भी मेरे साथ हेडिंग नोट कर लीजिएगा कि डिसएडवांटेजेस और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल एमपीटी, ठीक है, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली गलती जो थी मेंडलीफ की, वो ये थी, गलती नहीं कह सकते बेसिकली, उस समय साइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी नहीं, कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं थे, कारण ये कि डेवलपमेंट बहुत कम था साइंस का। तो देखिए हाइड्रोजन की अगर हम पोजीशन की बात करें मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें क्लियर नहीं थी, इसका कारण खुद हाइड्रोजन था ना कि मेंडलीफ। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका मास नंबर भी होता है 1। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर मास नंबर, बस अभी आप सुनते चलिए एक एक करके। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो उसका एक न्यूक्लियस जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है और इसके अराउंड एक ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका रिवॉल्व करते रहता है। अगर कहीं से हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम से एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये H- आयन का फॉर्मेशन भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये H+ आयन के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये H- आयन की तरह बिहेव करना ये होती है हैलोजन्स की टेंडेंसी। अब आप कहेंगे ये हैलोजन्स क्या होते हैं, हैलोजन वो नहीं ये बारात में आपने जलते हुए देखी लाइट, नहीं, हैलोजन हम कहते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी एलिमेंट्स को आपने सुना होगा, इन्हें हम हैलोजन्स कह के बुलाते हैं। अब H- आयन यानी H- बनाने की जो टेंडेंसी है ना वो कौन शो करते हैं, हैलोजन्स, मतलब यहाँ पर H- शो करते हैं इसमें हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हैलोजन्स की तरह। जबकि अगर हम H+ बिहेवियर की बात करें तो ये H+ बिहेवियर होता है एल्कली मेटल्स का, एल्कली मेटल्स मतलब जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सभी एल्कली मेटल्स की तरह ये सभी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, सिंगल
जो है केटायन, तो H प्लस यहाँ बनाने का मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एल्कली मेटल की तरह। अब यहाँ पर हो गई प्रॉब्लम क्रिएट, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। मेंडलीफ ने मेन मोटिव किसे माना है अरेंजमेंट के एलिमेंट्स के, कि सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रहेंगे। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई ना कि इनके सामने समस्या ये कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रखूँ कि इस ग्रुप में हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ में रखूँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या मेंडलीफ के सामने यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। क्यों है ये भी मैंने आप सभी को समझा दिया, इसमें मेंडलीव की कोई गलती नहीं है, खुद हाइड्रोजन का ही बिहेव ऐसा है, तो वो क्या करें। समझ में आई बात? तो पहला शॉर्टकमिंग, पहला डिसएडवांटेज हम क्या लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी मैं लिखूं आप सभी मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिए, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट क्लियर बिकॉज इट बिहेव्स बोथ एज एल्कली मेटल्स as well as halogens, ठीक है। तो ये पहला डिसएडवांटेज था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, इसे नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए तो अब हम लोग अपना दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दूसरा डिसएडवांटेज जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का वो था आइसोटोप्स के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली आइसोबार्स आइसोटोप्स दो वर्ड्स हैं, यहाँ पर मुझे आपको आइसोटोप्स के बारे में बताना है। आइसोटोप्स की पोजीशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्लियर नहीं थी। अब देखिए, उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आइसोटोप होते क्या है। तो आप सिंपल ऐसा समझिए कि वो एलिमेंट्स जिनके मास नंबर एक ऐसा होता है डिफरेंट, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जेड वो कैसा होता है, सेम होता है। कहने का मतलब ये है ना कि वो एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर कैसा हो, सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसा हो, डिफरेंट, यानी उनका मास कैसा हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल अगर हम इसका लेना चाहें तो 6C12 और 6C14 ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का जो नीचे लिखा होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन इनका मास नंबर देखिए कैसा है, चेंज है, इसका 12 और इसका 14। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इन दोनों के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज है, जबकि प्रोटॉन्स के नंबर कैसे सेम। तो अब आइसोटोप क्या होते हैं आप समझ गए, एक एलिमेंट नेचर में अपने डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन के मेनली दो आइसोटोप हैं 12 और 14, जिसमें से कार्बन 12 जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3 जिसे हम सिंपल हाइड्रोजन या प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कहकर बुलाते हैं। हाइड्रोजन नेचर में इन तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटियम, फिर उससे कम ड्यूटेरियम और सबसे कम कौन पाया जाता है, ट्राइटियम। तो कोई भी एलिमेंट ना, बोलते ना कि एक से ज़्यादा शक्लों में रहता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये उन्हीं एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा जो शक्लें होती हैं ना, उन्हीं को हम आइसोटोप कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। तो आइसोटोप क्या होता है ये आप समझ गए। तो अब देखिए, इन्हीं आइसोटोप्स की जो पोजीशन थी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की, वो क्लियर नहीं थी। क्योंकि क्यों नहीं क्लियर थी, क्योंकि मेंडलीव ने ना इस प्रॉपर्टी को बेस माना था, ये जो मास नंबर है, एटॉमिक वेट, मेंडलीव ने इसको बेस माना अरेंजमेंट का, ठीक। जबकि ये प्रॉपर्टी जो होती है वो रिलेट किससे होती है, एटॉमिक नंबर से। तो ये बहुत एक बड़ा ड्रॉबैक इसी वजह से हो गया कि आइसोटोप्स का उनकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पोजीशन नहीं था। समझ में आई बात? तो यहाँ से आप दूसरा सेकेंड ड्रॉबैक क्या लिख देंगे कि द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वॉज नॉट क्लियर
इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट आप इस तरह से लिख देंगे तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया यहाँ पर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। आपको ध्यान रखना होगा आइसोटोप्स की पोजीशन क्यों नहीं क्लियर थी, क्योंकि मेंडेलीव ने बेस किसको माना, एटॉमिक वेट को। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, शॉर्टकमिंग्स थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया किस पे, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पर। आज हम जिस पीरियोडिक टेबल पर पहुंचे हैं उस तक हम किस किस तरह से पहुंचे, साइंटिस्ट को किन किन थ्योरीज से निपटना पड़ा, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ही हमने अच्छे से सीखा। और आई होप अब आपके मन में थोड़ी सी रेस्पेक्ट भी आ गई होगी उन साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि उनके रेस्पेक्ट करना देखिए ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे केमिस्ट्री स्टडी वाले स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, सॉरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए साइंटिस्ट की। तो देखिए आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने का जो मॉडर्न अप्रोच था वो क्या था। ये हमने आज की क्लास में क्लासिकल अप्रोच की बात की है, जो एंशियंट थ्योरीज थी पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो पुरानी सारे कॉन्सेप्ट थे उनको हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न जो आज पीरियोडिक टेबल है उस तक हम कैसे पहुंचे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप एकदम कम्प्लीटली रिवाइज कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, केयरफुली रीड करते रहिएगा, अपने नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा। क्योंकि जिस तरह से जंग लड़ने वाले योद्धा का हथियार कौन होता है, जो उसके हाथ में हो तलवार या जो भी कुछ भी, उसी तरह से एग्जाम में जब आप जंग लड़ोगे ना तो आपका हथियार है आपका नोट्स। जितना अच्छा हथियार उतने ही जल्दी लड़ाई आप जीतोगे। चलाने का ढंग भी आना चाहिए, तो पढ़ना, चलाने का ढंग मतलब पढ़ना भी है उसको, और आपका हथियार यानी नोट्स अच्छे होने चाहिए। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको मज़ेदार लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे कंटेंट से। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, टिल देन बाय।